प्लस करने नहीं आता है, प्लस भी तुम्हें अब बताया जाएगा फिर से, मतलब आगे सिखाओ और पीछे कहीं इनको याद नहीं रहा। इतना गंदा लिखता है, साफ 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 लिखोगे साई भाभी को। पेन का स्पेलिंग बोलो। मेरा घर कहाँ है, है ना? मुर्गी के हेन 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 मीन्स क्या होता है, हेन मीन्स क्या होता है, कॉक मीन्स मुर्गा होता है, तो हेन मीन्स मुर्गी होती है। इधर आ, अब 49 अब 40 इसका सारा एटीट्यूड खत्म होगा, गंदी हरकतें सीखता है। ये फिल करना पड़ेगा ना सर। मम्मी अभी कर लेती आप। रुको, वन बाई वन पहले एक को तो कदी लेने दो ना ऐसे। ये नहीं कोई इसमें। अच्छा अब लर्न कर रही है, ये तो इसमें सब बताया हुआ है। इसमें बीच में सुई बनाना है, यहाँ से ऊपर से, यहाँ से देखो। डिग्री घड़ी के उपयोग से अपने पेंसिल बॉक्स का समकोण मापो। समकोण का माप है पेंसिल बॉक्स का समकोण, समकोण नापना है, ठीक है? 90 डिग्री का होता है समकोण, समकोण का नाप 90 डिग्री है, ठीक है? 90 डिग्री, क्या तुम बता सकते हैं नीचे दिए गए कोण की डिग्री क्या होगी? समकोण का आधा, आधा कितना होगा? 45 डिग्री। समकोण का एक तिहाई, एक तिहाई कितना होगा? 30 डिग्री डिग्री। समकोण का दुगना 180 डिग्री। अब उस कोण को मापो जहां से कट्टू को पृष्ठ 30 की स्ट्राइकर चलाना चाहे, उस कोण का माप है ये 30। इसका कितना डिग्री है? इधर से है, यानी ये इस कोण को मापना पड़ेगा, तो मैक्सिमम ये हमें लगता है कि 30 डिग्री होना चाहिए। 90 डिग्री ये सीधा होता है, 30 डिग्री, ठीक है? मुझे डर लगता है जब आपने उस दिन करवाया था। देखिए बड़ी इतना दूर चली गई है। जानवरों के प्रति लोगों का क्या व्यवहार था? क्या कोई जानवर को परेशान भी कर रहा था? क्या कोई जानवर को परेशान भी कर रहा था? वह खेल देखकर तुम्हारे दिमाग में किस किस तरह के सवाल उठे? मान लो तुम एक जानवर हो जो कैद में है, अब तुम इन वाक्यों को पूरा करके बताओ। मुझे डर लगता है जब मैं पिंजरे में कैद रहता हूँ। मुझे डर लगता है जब मुझे पिंजरा में कैद किया जाता है। मेरी इच्छा है कि मैं पिंजरे में क्या बंद है, चिड़िया की तरह आकाश में उड़ती। मैं उदास होता हूँ जब मेरे साथ कोई, इधर देखो, खेलने नहीं आता। अगर मुझे मौका मिलता तो मैं
अगर मुझे मौका मिलता तो मैं उसे सबक सिखाता। मुझे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई मुझे परेशान करे, शान करे। अरे वन बाय वन रखो, देखो एक इसकी है, कितनी बार बोली हूँ उसे भी दो, वो खुद अपने नोटबुक लाएगा। ये हटा, पहले इसको हटा, अपने तो लेके से जाओ बुक है। इसको पीछे क्यों धक्का पुश करो, इतना गंदा लिखा है, साफ 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 लिखोगे नहीं, प्लस करने नहीं आता है, प्लस भी तुम्हें अब बताया जाएगा फिर से। इंग्लिश है कि मैथ्स है, मतलब आगे सीखा और पीछे कहीं इनको याद नहीं रहा। मैचिंग है ये, आज हो गया 12 ना, मैचिंग ठीक है, ये मैचिंग है। वर्ड प्रॉब्लम वाले से मैचिंग तो कर लूंगा, दोनों करना है। ऐसे बैठो, एक मेट देना, वो चटाई डालोगे तो पूरा में फैलाना पड़ेगा, वो वाला उधर साइड से डालो उस तरफ। मैम एप्लीकेशन में डबल पी आता है। मैम ये क्या लिखा है? अरे तो वो फिर पूरा में आएगा ना, वो नहीं ना थोड़ा में आएगा, वो आ जाएगा, वो पूरा में फैलेगा ना, इधर तक फैलाना पड़ेगा, ये सब बैठेंगे नहीं, सिर्फ तुम ही दोनों वहां फैला लो, उधर ही उधर ही। मैं इस पे मत बैठना, टंकी पे कैसे कैसे किया, लाइन नहीं समझ में आता है तुम्हें, ये किसका समझ में नहीं आ रहा है मुझे। मैं बॉक्स भी बना के लिख सकता था ना। हाँ, ये बॉक्स क्यों दिया हुआ होता है? मैंने तू भी ऐसे कर दिया पर। सिर्फ पता नहीं चल रहा कहाँ का नंबर कहाँ घुसा रखा है, यहाँ समझ में आ रहा है क्या था? पढ़ने में ध्यान ही नहीं रहता। अरे बैठो ना, फोन पर गेट बंद करो तो पहले। अरे बोलो, एक को दे लेने दो तो दूर। वहां पे नहीं, पास उठो, थोड़ा सा उसमें टच करोगे वो नीचे चला जाएगा। मैं एक बार साइड वास्ते। हाँ कैसे मैं देखो बिछा के बैठो? अरे तरीका से बिछाओ, या तो इधर दीवार से टच करके बैठो वहाँ पे, कि दोनों एक साइड में बैठो, या तो इस साइड खींचो, बीच में मत ऐसे करो ना, फिर दिक्कत होगा। हाँ दीवार से इधर टच करो, हाँ हाँ वहाँ बैग तो हटा लो। हाँ अब फैलाओ, हाँ अब बैठो, खींचो, हाँ अब बैठो, चलो देख लो ये कैसे करेंगे। ये बॉक्स है ना, है ना, प्लस ये दूसरा बॉक्स है ना, लिख सकते हैं। अब इसमें 5 आ गया नंबर, कितना अच्छा लग रहा है, इसी में गुस्सा देता है। फिर यहाँ लिखेंगे, फिर इस बॉक्स को करेंगे एक कॉलम छोड़ के। अब इसमें ये 5 है, देखो कैसे करेंगे, 2 + 3 = 5 7, 2 + 5 = 7, 2 + 2 = 4, 3 + 5 = 8, ये कितना है 6, 3 + 3 = 6, 3 + 0 = 3, 3 + 6 = 9, 1 + 0 = 1, लो। अच्छा पहले अभी का तो करने दो। मैम अभी ये DRUM मैम ये वाला करेगा ना। अच्छा उसका चप्पल मिला,
अच्छा कल एक बात बताना, कल चप्पल कौन फेंक के गया था? एक रेड कलर का। अभी टाइम ही तो नहीं पता, टाइम पता रहता तो फेंकते नहीं। रेड कलर का चप्पल था, एक तुम्हारे गली में था। देखो ना मैं वो कहानी नहीं पूछ रही हूँ, अगर किसी ने पिके क्यों वो चप्पल कहीं नहीं मिल रहा है। मैं भी इधर उधर पूरा उधर देखी थी। पापा ने बोला ना रिया ने पापा से, तो माँ उधर साइड में बैठी थी, रिया पापा मम्मी पापा रिया बात कर रहे थे, मैं साइड में चुपचाप से सब सुन रही हूँ। कह रही है मम्मी बोलना पापा से कि मेरा चप्पल नहीं मिल रहा, चप्पल खरीदते पापा कह रहे हाँ अब दोनों माँ बेटी को चप्पल चाहिए, हाँ इधर पैसा नहीं अब दोनों को ये चप्पल चाहिए। रिया चप्पल ऐसा रो रिया ऐसा रो रही क्योंकि वो चप्पल कहीं नहीं मिल रहा। मैं इधर भी देख ली हूँ, इधर कहीं भी एक है ही नहीं, कोई नहीं बता रहा है चप्पल। ये मेरा जगह पर नहीं कुछ कोई ऊपर बैठा है। हाँ सर एक बात, आप चप्पल कहीं फेंके हो चप्पल? आप भी बैठो सर, कल की बात है क्योंकि चप्पल ये गलत बात है। दो तीन बार आप भी ये बदमाशी किए हो, ये दोनों भी बदमाशी किया है, लेकिन कल अब जल सोया पहले नीचे बैठ गया। देखो ना गली में तो पानी हो रखा था, आओ करके चप्पल तुम्हारे तरफ पर रेड कलर का एक था, एक तुम्हारे ही गली में मिला था, एक उसका मिल ही नहीं रहा, मतलब बदमाशी सभी करता है। लिख लिया, पेपर लिखी है, नहीं अप्लाई नहीं की, नहीं कहां अप्लाई किस पर? ADPPLY अप्रैल ऑस्ट्रेलिया। देखो रंगों का नाम लिखना, ये हैंड रंगों के नाम, इसीलिए बोलती हूँ आप गेट को थोड़ा खुला रखो, चप्पल सब इधर मत खोला करो, चप्पल सब इधर खोला करो, ठीक है? नहीं अभी कोई नहीं, प्लस करने नहीं आता है, प्लस भी कोई नहीं बोलेगा, अब बताया जाएगा फिर से, मतलब आगे सिखाओ और पीछे कहीं उनको याद नहीं है। पंखे पे अरे मैं वो लड़का वो निकाल लेता है, अपने अपनी चप्पल ना यहाँ मत खोला, तुम सब इधर चप्पल, किसने का छुट्टी नहीं, अब जाते सुबह छुट्टी में मैं देखूंगी, बदमाशी इनका भी होता है, ये जाते समय बहुत बदमाशी करते हैं, कोई किसी का चप्पल डिस्टर्ब करता है। देखो ये दोनों तरफ एक नंबर है ना, तो ये इक्वल हो जाता है, दोनों तरफ जब एक जैसा नंबर होता है ना तो ये इक्वल चलता है। अब देखो 5 और 9 में कौन बड़ा है? 9 हो ना रिया, अरे रिया का चप्पल फेंक दिया था ना, चप्पल से खेल जाता है, पढ़ने आता है सब, पता नहीं चला गई बोल गई के, और उसी दिन मैं डांटी थी कि ये सब हरकत बहुत गलत है, इन दोनों को भी साहिबा और आहान को, आहान ने फेंका था। हाँ तो उस दिन इसको दूसरे दिन मैं देखी थी तो डांटी, आज सब जाएंगे तो मैं खुद ही बाहर देखूंगी कौन, क्योंकि बदमाशी यही लोग करते हैं, दूसरा कोई नहीं करता, बोल दिया बदमाशी इन्हीं का होता है, गेट हम बंद कर देते हैं, ये जाते हैं तो चप्पल फेंक के छिपा के जाते हैं, इसको यही चारों कलर्स के नाम, पूरा कलर्स के नाम लिखने हैं ना, हम कहाँ अभी इतना जब मुझे पता ही नहीं हो जाएगा तो नहीं बंद करो, आज टेबल लिखोगी 2 से 10 तक, ठीक है? अकाउंट अमाउंट सारे नाम लिखने हैं, बैंगन बैंगनी ऐसे बैंगन लिख करके एरो बना के बैंगनी, टमाटर टमाटर लिख के लाल, एक तरफ सब्जी के नाम चलेगा और दूसरे तरफ उसका कलर चलेगा, धनिया तो हरा लिख लिया, गोल्ड लिख लिया, नहीं हटाओ हटाओ ऐसे करो दो सर, देखा मिल जाएगा, अरे इधर सामने आओ ना ऐसे, कॉपी छोड़ो, देखो ओ की मात्रा, याद करके आई हो, यू बुक बोथ बैग बैग बस
राजीगर बस बस बॉक्स सेट बाई बर्न होता है बात होता है बिजली बिल्ड होना बोल्ड बिल्ड नहीं आती हो ना प्ले का स्पेलिंग सही बात उधर चेटो सामने आ जाओ वहाँ नहीं वहाँ किसी को खड़ा नहीं होना है मैं अरे एक तरफ सब्जी के नाम लिखना है ना धनिया टमाटर खीरा प्याज आलू बैंगन मूंगफली मकर पालक गाजर ये सब पहले एक साइड से नाम लिखना तब उसके सामने कलर अरे नहीं ना पहले ये सब नाम बोलो एक साइड में उतारने के लिए सारे नाम फिर मैं उसको बताऊंगा तब उसके सामने कलर के नाम लिखने क्यों नहीं जाती हो डाई अब तुम ये वर्ड मीनिंग लर्न करो डेली डे वर्ड डक मीनिंग डन ड्राई एस डेली टी सेट डी आर आई एन के ड्रिंक L A Y Play W A S H Was F A S T Fast Your Y O U R Your Daily D A I L Y Daily अब यहाँ लिखोगे और ये स्पेलिंग अभी लर्न करके सुनाओगी मुझे तो रुको पहले इनको पहले बार बाय बार सब यहाँ कॉपी रखो दो चलो साई भाभी गो टेन का स्पेलिंग बोलो इलेवन यहाँ यहाँ खड़े इलेवन अरे कोई बात नहीं इलेवन बोलो ए नीचे तक क्लिक हो अच्छा ठीक है मैम तीन बज गए बैठो पढ़ी दीदी मैम तीन बज गए मैम इसका भी समझाने का नहीं बंद करो साहिबा इलेवन है एक बज के 40 मिनट पर घर पर पहुंची बाथरूम में घुसी बार बार धोई सीधा फिर बाल बांधी इलेवन मम्मी क्या ये खाना नहीं साहिबा जाओ ना अभी सीट पे इतना टाइम ये याद नहीं कर रहा है सुबह सुबह मैगी खाने बस एक बार लंच पे जल्दी याद करो तो पहले ऐसे खड़ा होके काम बस करते बस कराते रहो और तुम्हें याद कुछ नहीं रहेगा चलो पेंसिल रखो वहाँ पे पेंसिल रखो तो पहले पेंसिल अपने बैग पे रखो और यहाँ बैग पीछे की ओर करो बैग पीछे करो यहाँ पे बैग करो हाँ अब चलो बैठ के बोलो तू जोर जोर से उसको प्लस करने नहीं आता है प्लस भी तुम्हें याद आएगा फिर से आगे सीखा और नीचे का इनको याद नहीं रहा इंजन एमपीटी एलिफेंट एग इरेजर कौन बोला
इज नाउ मिल्कमैन। गर्ल बॉय खड़ी हो जाएगी। स्टेप फादर कुक कॉक कॉक सी कॉक मीन्स क्या होता है? अभी अपने पास हाँ तो उसका अपोजिट क्या होगा? हाँ तो मुर्गी को स्पेलिंग क्या कहते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में सभी जगह घूम के आ गए, इनको पता ही नहीं है कि मेरा घर कहाँ है, है ना? मुर्गी के हेन मीन्स क्या होता है? हेन मीन्स क्या होता है? कॉक मीन्स मुर्गा होता है, तो हेन मीन्स मुर्गी होती है ना। ये पीकॉक इधर आओ, ये ना पढ़ती नहीं है कुछ है। क्रो कुकू कुक नहीं, कुक मीन्स होता है खाना बनाना। मैन नीचे हैंड करो। सर्वेंट नौकर मैड होता है। किंग सुपर किंग याद पढ़ो उसको, सुपर किंग किंग का क्वीन होता है। फादर इन लो फादर इन लो मदर इन लो कहानी 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 तो हर टाइप का होता है। एक कहानी होता है चूहा और शेर का, बड़ा बड़ा तो वही होता है। एक लोमड़ी और चालाक लोमड़ी का होता है, और अंगूर वाला कहानी। एक प्यासा कौवा का होता है, डाल के पानी पड़े जाता है तो वो पीता है। सैटरडे के दिन मेक सेंटेंस प्लस करने नहीं आता है, प्लस भी तुम्हें अब बताया जाएगा फिर से, मतलब आगे सिखाओ और पीछे कहीं इनको याद नहीं रहा। टुगेदर मैंने मोर को जंगल में ब्लू नानी से हाँ आई थे। बोल मैम देखो जब मैं आपके गई थी स्कूल में उधर वाले तो वहाँ पे मोर उड़ गया था, मैंने देखा है। मोबाइल मार्केट में आई लव माय पेरेंट्स इसका सेंटेंस सुनाना है। मेरा पंजाबी लिख के दिखाना। मैं स्कूल
ट्रायंगल पर्सन बहुत दिन हो गए मंगवाए थे, एक तीन चीज बनाने थे, एक में पत्ते लगवाने थे चाट में पत्ते, और एक घूमने वाले जो डायरी में रहते हैं वो कौन सा लगा रहे हैं वो, और एक वो क्या बोलते हैं एक जो प्लांट्स होते हैं मिर्ची के नींबू के वैसे चिपका दिया, फिर एक मैम ने बोला पाई बनानी पाई से मुझसे बनेगा नहीं, तो मैंने पेपर फोल्डर बना दिया, मैंने पेपर दो मैंने पेपर फोल्डर बना दिया, और पेपर फोल्डर मतलब आती है तो ये ना कि अपना नोटबुक यहाँ सबमिट करे पहले मेरा, रुको एक सेकेंड, चलो अभी बैठो अभी इसको दे लेने दो, 36 और 11 को ऐड करेंगे तो 27 होता है और माइनस में ही जाएगा, इधर आ अब 49 और 54 को ऐड करेंगे तो 28 होगा, 10 से प्लस नहीं आता है करने, प्लस करने नहीं आता है, प्लस भी तुम्हें अब बताया जाएगा फिर से, मतलब आगे सिखाओ और पीछे कहीं इनको याद नहीं रहता है, अब ये 62 में 84 ऐड करेंगे तो क्या करना है, गिनती गिनती एक लगाऊंगी, चलो इसमें 2 और 4 को ऐड करना था, काट दो सब गिनती लिख कर रख लेंगे मैं इधर भी गिनती है थर्टी टू थर्टी, सही में कर रही हो कि सब गिनती गिनती लिख रखे हैं, मोर तू मोर वो इस चटा तो मैंने पेपर फोल्डर में पहले कर उसके अंदर मैंने बोला ड्राइंग के पेपर ड्राइंग मेरा है नहीं, एक भी खाली पेज है बहुत सारा पढ़ा है मैं खाली पेज है, ये मैंने एक हिंदी कॉपी का पेज फाड़ कर उसमें वो लिख लिया, उसमें लिखने के बाद उस पर ना ऊपर कुछ ना लिखे, क्यों हमारी मैम ने बोला ना अगर किसी ने भी ऑनलाइन में उन्होंने बोला अगर किसी ने भी ऐसे बोला ऐसे लिखा ना उसका कार्ड है, तो छोटे बच्चों को अभी ये स्पेलिंग कहाँ से, मेरे हाथ कोई कड़ी नहीं तो मतलब किस टाइप के वर्ड होना चाहिए, अब ये छोटे हैं तो इनको मान लो कि आई से हुआ तो इट इन यही सब स्पेलिंग सिखाया जाएगा ना, इफ मतलब 10 तक तो होता है, इसका जेड तक कहा ए बी सी डी तक मैं करवाई थी बस स्कूल में भी, तो अभी कुछ नहीं हुआ, ए प्लस करने नहीं आता है, प्लस भी नहीं है, अब बताया जाएगा फिर से, मतलब आगे सिखाओ और पीछे कहीं इनको याद नहीं रहा, बस होगा बेबी हमारा हो गया, छोटे बच्चों में तो इतना ध्यान नहीं रखता, अब ये देख लो ये किस तरह से वो होता है, 6 और 2 को ऐड करेंगे, 6 और 2 सही बात है, उर्वशी मैम सीढ़ी पे चढ़ रही थी हॉस्पिटल में एडमिट है उर्वशी मैम, इसलिए उनको हटा दिया एडमिट है, उसने दिन कौन खड़ा होके लिए बच्चे पढ़े मरेंगे, इसलिए 6 और 2 8 यहाँ देखो ना और ये 1 तक करवा देती और वही फिर से स्टार्टिंग से करवा देती, देखो मेक अरे गिर जाएगा कॉपी तो दिखता नहीं है पीछे, 2 मिनट उधर बैठ जाओ, बस इन दोनों को काम दे दो, बस इन दोनों को देना है उसके बाद हम बता दें, स्पेलिंग बैट दिस इज अ बैट दिस इज अ पेन पेन स्पेल इसका सेंटेंस बनाना है, करवाई नहीं कॉपी रोड थैंक यू प्लेट कैप ट्री, ए लर्न हो रहा है स्पेलिंग, एक बार भी नहीं पढ़
11th पढ़ने नहीं आता है एबीसीडी क्या तुम्हें? ये बताओ सब भूल जाना, ये क्या मैं इसको आगे आगे सिखाऊं, इसको पीछे का ही नहीं पता है। कुछ खा लिया होगा ऐसा नदी, इसको कवच जैसा बना दिया होगा, पहाड़ या नमक नमकीन होता है ऐसे लिखा करो। अभी नहीं है यहाँ पे, जाओ याद हुआ मार दूंगी। हाँ देख रो इसमें कितना एटीट्यूड भरा पड़ा है, आने बाद मम्मी को बताती हूँ। इसको इधर बैठाओ अलग, तब इसका सारा एटीट्यूड खत्म होगा। गंदी हरकतें सीखता है। M A R S Mars J U P I T E R Jupiter N U T T R Neptune है ना N R N E नहीं N E N A P N A P Uranus U R A N S उसके बाद कौन सा बोला था? विनाश वी एन यू एस सन एस एन स्पेलिंग करा दो ठीक है, टेन टेन वर्ड लिख कर मैं क्यों बोलूं, जितना आता उतना आता लिखूंगी। चलो गो सीट डाउन, सीट डाउन यहाँ बोलने ए बी सी ए बी 5 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर ई एफ जी डी ई एफ 10 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर लो छोटा की पेंसिल है मेरे पास। शनि इधर से होता है, पृथ्वी होता है, प्री आधा जी एल आई टी ई आर देखो वाक्य बनाओ ठीक है। प्रसिद्ध महात्मा सुनहरा जलपान भोजनालय दोस्त पकड़ो पकड़ो 2 मिनट दो पहले इसको समझा दूं तब आप तुम सबको पढ़ा क्या है इसका।
तो प्लस करने नहीं आता है, प्लस भी तुम्हें अब बताया जाएगा फिर से, मतलब आगे सिखाओ और पीछे कहीं इनको याद नहीं रहा। चले जाएंगे मम्मी। हाँ सॉरी।